स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर। जेंडर में होता है लिंग। अगर आपसे कोई पूछे जेंडर क्या होता है, तो जेंडर एक नाउन ही होता है। जेंडर एक नाउन ही होता है, ऐसा नाउन जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए वह क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है। जेंडर इज अ काइंड ऑफ नाउन। यह जो जेंडर होता है नाउन ही होता है, लेकिन इससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। अंग्रेजी भाषा में चार प्रकार के जेंडर होते हैं। अंग्रेजी भाषा में चार प्रकार के जेंडर होते हैं। पहला जेंडर है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर जिसका अर्थ होता है पुल्लिंग या पुरुष लिंग। पुल्लिंग या पुरुष लिंग यानी ऐसा संज्ञा जिससे पुरुष जात का बोध हो उसे मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे लड़के बॉयज, कुत्ते इट मींस बॉय, डॉग गधे यानी डंकी, बैल यानी ऑक्स एटीसी, इन शब्दों से पुरुष का बोध हो रहा है, इसके कारण इन्हें हम बोलेंगे मस्कुलाइन जेंडर। इसके बाद दूसरा होता है, अब आप परिभाषा लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि ऐसा संज्ञा जिससे पुरुष जाति का बोध हो, नर जाति का बोध हो, उसे मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मींस होता है स्त्री लिंग, यानी ऐसा संज्ञा जिससे मादा जाति का स्त्री जाति का बोध हो वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब आपको मैं बता दूं मस्कुलाइन यह हो गया, फेमिनाइन अब बॉय का क्या हो जाएगा, लड़कियां क्या इसका बीच कुत्ती ठीक है, काउ मींस गाय, यहाँ पर वैक्स, वैक्स मींस स्त्री लोमड़ी ईटीसी, यानी ऐसा संज्ञा जिससे स्त्री जाति का बोध हो वह फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। कॉमन जेंडर तीसरा जो होता है वह होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर एक बात तो और बता दूं कि यह जो मस्कुलाइन है इसी से बना हुआ है मेल, क्या बना हुआ है मेल, और जो फेमिनाइन है इसी से बना हुआ फी मेल ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मेल हो कि फीमेल हो, तो आप लड़के बताएंगे मेल, क्योंकि मस्कुलाइन से बना हुआ है फीमेल, यानी यह फेमिनाइन से बना हुआ है ठीक है। अब कॉमन जेंडर जिसमें पुरुष या स्त्री दोनों का बोध हो, ऐसा शब्द जो एक ही शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए भी किया जा सके, पुरुष के लिए भी किया जा सके, उसके शब्द होते हैं कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, टीचर जो है आप टीचर लेडी को भी बोलते हैं, जेंट्स को भी बोलते हैं। ऐसे ही डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ठीक है, चाइल्ड, पेरेंट्स ईटीसी, यानी डॉक्टर टीचर इंजीनियर चाइल्ड ये सब क्या है कॉमन जेंडर है, इनसे पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है। और लास्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है निर्जीव लिंग। निर्जीव लिंग यानी ऐसा संज्ञा, ऐसा संज्ञा जिससे न पुरुष न स्त्री मतलब निर्जीव वस्तुओं का बोध हो वह क्या कहलाता है, न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत जैसे पेन, बुक, बेंच, चेयर, टेबल ईटीसी आता है। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने जेंडर पढ़ा और जेंडर के बाद आता है मस्कुलाइन को फेमिनाइन बनाना। अब देखिए पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। एक बार मैंने एक लड़के से कहा बताओ बाबू बॉय है उसे उसका स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे, तो उसने कहा सर उसको साड़ी बना देंगे तब स्त्रीलिंग बनेगा। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, आप लोगों को मैं बता दूं स्त्रीलिंग बनाने के कई सारे तरीके होते हैं फेमिनाइन बनाने के। कुछ शब्दों के विलोम शब्द लगा करके या बिल्कुल अलग शब्द लगा करके मस्कुलाइन को फेमिनाइन बनाया जाता है। जैसे बॉय का क्या होता है गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, मदर, डॉग का बिच, बिच, किंग का क्वीन,
हॉर्स का मेयर, देखिए हॉर्स मींस घोड़ा, मेयर मींस घोड़ी, जरूर याद कर लीजिएगा। सन का डॉटर। तो इस तरह से हम विलोम शब्द लगा करके कुछ परिवर्तन मस्कुलाइन टू फेमिनाइन किए। फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ई डब्ल्यू एस लगा करके पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे अथर है तो ई डब्ल्यू एस अथरेस कर दोगे, एयर है तो ई डब्ल्यू एस लगा के क्या कर दोगे, एरेस कर दोगे, लैंड है ई डब्ल्यू एस लगा के लैंडेस कर दोगे, पोएट है ई डब्ल्यू एस लगा के पोएटेस कर दोगे। इस प्रकार से ई डब्ल्यू एस लगा करके भी फेमिनाइन बनाया जाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ये कुछ विशेष परिवर्तन है जो सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, होता ही है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्टर है ना, देखिए ए सी टी ओ आर है, एक्ट एक्ट है और आर ई डब्ल्यू एस लगा दोगे एक्ट्रेस हो जाएगा, एक्ट्रेस। एक हंटर है ना, हंट रेस हो जाएगा। प्रिंस है पी आर आई एन सी ई केवल डबल एस लगेगा। टाइगर है स्टिक रेस हो जाएगा। मास्टर है मिस्ट रेस हो जाएगा। यानी इस तरह से हम इन शब्दों का परिवर्तन कर रहे हैं। आपको इन शब्दों को लर्न करना होगा, रट डालना होगा कि कैसे बदल रहा है। मास्टर का मिस्ट्रेस होता है, टाइगर का टिग्रेस होता है, प्रिंस का प्रिंसेस होता है, हंटर का हंट्रेस होता है, एक्टर का एक्ट्रेस होता है। ऐसे ही हीरो का हीरोइन होता है, सुल्तान का सुल्ताना होता है, फॉक्स का विक्सेन होता है, सिग्नोर का सिग्नोरा होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ही सी लगा करके भी पुरुष लिंग स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे बियर मींस भालू होता है और ही बियर हो जाएगा तो पुरुष भालू, और सी बियर मींस स्त्री भालू, ही गोट मींस बकरा और सी गोट मींस बकरी, ठीक है। बुल काफ मींस बछड़ा और काउ काफ मींस बछड़ा का फेमिनाइन। जैक एस मींस गधा, पुरुष गधा, और जेनी जेनी एस मींस गधी स्त्री। इतना ही नहीं, आप चाहे तो मिल्क मैन मींस दूध वाला, और मिल्क मैग मींस दूध वाली, मतलब दूध पुरुष लिंग स्त्रीलिंग, मतलब इस तरह से भी मैग मैग करके भी बनाया जाता है। सर्वेंट मींस नौकर, और मैग मींस मैन सर्वेंट मींस नौकर, मैन सर्वेंट मींस नौकर, और मैग सर्वेंट मींस नौकरानी होता है। मतलब यह मुख्य मुख्य शब्द रहे जिसका स्त्रीलिंग बनाना आप लोगों ने सीखा, जो आपके क्लास और आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट है। अगर आप इतना लर्न कर लो, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख लो, तो आप इजीली मस्कुलाइन टू फेमिनाइन बना पाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।